पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एग्जाम्पल देख रहे थे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख रहे थे। आज हम लोग पोटेंशियल और कैपेसिटी के बीच का थ्योरी का कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर का जो थ्योरी की कंसेप्ट है, जिस भी बच्चे का ऑफलाइन क्लास में कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर का कंसेप्ट छूटा हुआ है, वो आज निश्चित तौर पर आज की क्लास को आप देख लेंगे। अभी जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट का जो डिस्कस करेंगे, उस कंसेप्ट को ध्यान से आप सुनिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, ध्यान दीजिए, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, जिसका हिंदी क्या होती है, चालक की धारिता। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिए। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, जिसमें एक कंसेप्ट है, देखिए दो शब्द है, एक चालक है, दूसरी कंसेप्ट क्या है, धारिता। चालक किसको कहते हैं, ध्यान से देखिए। कंडक्टर बॉडी के बारे में हम लोग कंसेप्ट लिए थे ऑफलाइन क्लास में, कि कंडक्टर बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ काफी स्ट्रॉन्ग बल से जुड़ी हुई रहती है, उसको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो फ्रीली मूव नहीं कर पाता है। और वह इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ काफी वीक बल से जुड़ी हुई रहती है, काफी कमजोर बल से जुड़ी हुई रहती है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव कर सकता है, या बॉडी में आसानी से एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो सकती है, दैट मींस उस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को, एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोकता है। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोकती है, उसको इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेसिस्टेंस। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के काम करता है, जिसको हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होने की कोशिश करती है, दैट मींस जिस बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स संख्या ज्यादा होता है, उसमें विद्युतीय ऊर्जा आसानी से एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होती है, दैट मींस ऐसे बॉडी को बोलते हैं कंडक्टर। यानी कंडक्टर बॉडी वह बॉडी है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसमें बिना व्यवधान का, बिना किसी रुकावट का एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होती है, ऐसे बॉडी को कंडक्टर कहते हैं। जैसे मानव शरीर क्या है, कंडक्टर है। मेटल क्या है, कंडक्टर है। पृथ्वी क्या है, कंडक्टर है। पानी क्या है, कंडक्टर है। अब यहां देखिए, चालक की धारिता, धारिता शब्द का मतलब क्या होता है, आवेश रखने की क्षमता, विद्युतीय ऊर्जा रखने की क्षमता। तो किसी भी कंडक्टर बॉडी द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता होता है, विद्युतीय ऊर्जा को संचित करने की जो क्षमता होता है, उसी क्षमता को क्या बोलते हैं, चालक की धारिता। मतलब किसी भी चालक वस्तु द्वारा विद्युतीय ऊर्जा को या विद्युतीय आवेश को स्टोर करने की जो क्षमता होता है, संचित करने की जो क्षमता होता है, उसी क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं।
जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी से, सी से। चालक की धारिता को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी से। चालक की धारिता किसको कहेंगे, ध्यान से सुनिए, किसी भी चालक वस्तु द्वारा विद्युतीय आवेश को या विद्युतीय ऊर्जा को संचित करने की जो क्षमता होता है उसी क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। हम लोग पीछे मान लेते एक रिलेशन पढ़े थे, भी बराबर पढ़े थे रिलेशन, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर। पीछे हम लोग सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक रिलेशन पढ़े थे, भी बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर। इस रिलेशन से देखिए पोटेंशियल और चार्ज के बीच क्या रिलेशन है, अगर चार्ज को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, चार्ज को घटाएंगे तो पोटेंशियल भी घटेगा। इसका मतलब गिवन चार्ज ऑफ एनी कंडक्टर बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, मतलब किसी भी चालक वस्तु पर दी गई आवेश उसमें उत्पन्न विद्युत विभव के समानुपाती होती है। विद्युत विभव किसको कहते हैं, किसी भी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में या ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसी कार्य को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जैसे हम लोग किसी ग्लास में अगर पानी डालते हैं तो पानी का लेयर बढ़ता है, जस्ट उसी ढंग से जब किसी भी कंडक्टर बॉडी में हम चार्ज देते हैं तो उसकी पोटेंशियल इंक्रीज करता है। इसका मतलब चार्ज हम जितना ज्यादा देंगे पोटेंशियल उतनी अधिक इंक्रीज करेगा, चार्ज कम देंगे तो पोटेंशियल उतनी कम मान लेते इंक्रीज करेगा। इसका मतलब गिवन चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस होती है वह एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यही रिलेशन जब हटती है ना तो एक कॉन्स्टेंट आता है जिस कॉन्स्टेंट को इंडिकेट करते हैं कौन सी से, सी से, जिस सी को बोलते हैं चालक की धारिता। इस सी को क्या बोलते हैं, चालक की धारिता। इस यहां से जो सी निकालेंगे सी बराबर क्या होगा, क्यू बाय क्या, भी। ध्यान दीजिए भी बराबर रिलेशन हम लोग पढ़े थे क्या, भी बराबर पढ़े थे वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय क्या आर। अगर किसी भी कंडक्टर बॉडी पर चार्ज को अगर बढ़ाया जाए तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, चार्ज को घटाया जाए तो पोटेंशियल भी क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज जब हटती है तो एक कांस्टेंट आता है जिस कांस्टेंट को इंडिकेट करते हैं सी से। इस सी को बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। इस सी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। यहां से अगर सी निकालेंगे तो देखिए क्यू बाय क्या होगा, भी। यहां से भी कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ एनी कंडक्टर बॉडी एंड इट्स पोटेंशियल इज नॉन एज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, मतलब किसी भी चालक वस्तु पर की कुल आवेश एवं उसकी विद्युत विभव की जो अनुपात होता है उसी अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। तो चालक की धारिता को हम दो रूप से डिफाइन कर सकते हैं, एक ध्यान से देखिए, धारिता मतलब आवेश रखने की क्षमता, विद्युतीय ऊर्जा रखने की क्षमता या विद्युतीय आवेश रखने की क्षमता। तो किसी भी चालक द्वारा विद्युतीय आवेश को विद्युतीय ऊर्जा को संचित करने की जो क्षमता होती है उसी क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं, और किसी भी चालक वस्तु पर दी गई आवेश होती है उसमें उत्पन्न विद्युत विभव के समानुपाती होती है, और यही रिलेशन जब हटती है तो एक कांस्टेंट आता है जिस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, जिस सी को कहते हैं क्या, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो सी बराबर क्या हो गया, क्यू बाय भी। तो किसी भी कंडक्टर बॉडी पर की टोटल चार्ज और उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो रेशियो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, इसी कांस्टेंट मान को कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। यानी किसी भी चालक वस्तु पर की कुल आवेश एवं उसमें उत्पन्न विद्युत विभव की जो अनुपात होता है उसी अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। यानी सी बराबर क्या हो गया, क्यू बाई क्या, भी। अगर देखिए इस रिलेशन में ध्यान से देखिए, इफ भी इज इक्वल टू, अगर हम वन वोल्ट लें, यदि चालक बॉडी की पोटेंशियल में अगर एक वोल्ट की वृद्धि की जाए, देन देखिए क्या होगा, देन सी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू। इसका मतलब किसी भी चालक बॉडी में एक वोल्ट की अगर वृद्धि की जाए तो चालक की जो धारिता होता है वह
चालक पर दी गई कुल आवेश की परिमाण के बराबर होता है। यहीं से देखिए, अगर इसकी हम डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना चाहें, इस कैपेसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें, तो ध्यान से देखिए क्या निकालेंगे। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी, धारिता का बीमीय सूत्र। तो सी बराबर सूत्र देखिए क्या होता है, क्यू बाय भी। सी बराबर सूत्र क्या होता है, क्यू बाय भी। हम लोग भी बराबर पढ़ चुके हैं, डब्ल्यू बाय क्या होता है, क्यू नोट। क्यू नोट देखिए ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, क्यू इंटू क्या, क्यू नोट बाय क्या, डब्ल्यू। अब यहां से देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला हम सी का निकाल सकते हैं। यहां से अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें तो ध्यान से देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी क्या होगा, देखिए चार्ज है, चार्ज के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ए टी। डबल चार्ज है तो डबल चार्ज है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, ए टी। बट्टा देखिए वर्क है, कार्ज है, कार्ज का विमीय सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू। कार्ज का विमीय सूत्र क्या होता है, यानी वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस टू, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ए टी या आई टी। इसको देखिए ऊपर ले जाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए एम पे पावर देखिए वन है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एम पे पावर क्या होगा, माइनस वन। एल स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल पे पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू। टी पे पावर माइनस टू है, ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर में देखो दो को टी है, ये भी टी जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी पे पावर कितनी, फोर। ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो जब भी किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को, व्युत्पन्न भौतिक राशि को, जब मूल भौतिक राशि में बदलते हैं, माने जब किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल राशि में बदलते हैं तो मूल राशि का संकेत का इस्तेमाल करते हैं, और इस मूल राशि की संकेत पर जो भी पावर होता है उस पावर को डायमेंशन बोलते हैं, और पावर सहित ये जो मूल राशि होती है उसको डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। इसका मतलब कैपेसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए क्या हो गया, एम पे पावर माइनस वन, एल पे पावर माइनस टू, टी पे पावर फोर, ए पे पावर क्या, टू। अगर इसका हम एसआई यूनिट निकालना चाहें तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, देखिए यानी कैपेसिटी ऑफ, कैपेसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, देखिए मास है, मास को नापते हैं किलोग्राम में, पावर है माइनस वन। लंबाई को नापते हैं मीटर में, पावर कितनी है, माइनस टू। टाइम को नापते हैं सेकंड में, पावर कितनी है, फोर। इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं एम्पियर में, पावर कितनी है, टू। मेन फॉर्मूला के आधार पर अगर एसआई यूनिट लिखें तो देखिए मेन फॉर्मूला क्या है, देखिए ध्यान से, सी बराबर क्या है, क्यू बाय भी। तो चार्ज को नापते हैं कूलम में, और पोटेंशियल को नापते हैं वोल्ट में। तो देखिए इसका, इसी का फॉर्मूला के आधार पर क्या लिखेंगे, C बराबर क्यू बाय वी है, तो Q का क्या होगा, कूलम, और पोटेंशियल के क्या होगा, वोल्ट। इसका मतलब कैपेसिटी का एसआई यूनिट क्या हो गया, कूलम पर वोल्ट, या इसी को फेराइड बोलते हैं, फेराइड, एफ ए आर ए डी, फेराइड। फेराइड को शॉर्ट फॉर्म में एफ से लिखते हैं, कैपिटल एफ से। तो कैपेसिटी का एसआई यूनिट क्या हो गया, कूलम पर वोल्ट या फेराइड। इसी का देखिए सीजीएस यूनिट, ध्यान दीजिए, इसी का अगर हम सीजीएस यूनिट लिखें तो सीजीएस यूनिट ऑफ कैपेसिटी, सीजीएस यूनिट ऑफ क्या, कैपेसिटी। तो चूंकि कैपेसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बट्टा पोटेंशियल होता है, तो चार्ज का सीजीएस में क्या होता है, एस्टेट कूलम, क्या होता है, एस्टेट कूलम, COU L O M B, स्टेट कूलम। अब बट्टा पोटेंशियल का सीजीएस में क्या होता है, एस्टेट, एस्टेट वोल्ट, एस्टेट वोल्ट, या इसी का सीजीएस होता है एस्टेट फेराइड, एस्टेट फेराइड, एफ ए आर ए डी। तो ध्यान से देखिए अभी क्या क्या डिस्कस किया, ध्यान दीजिए,
आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्या, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या होता है। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर किसको कहते हैं, किसी भी चालक वस्तु द्वारा विद्युत आवेश को संचित करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। किसी भी चालक वस्तु द्वारा विद्युतीय ऊर्जा को संचित करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। किसी भी चालक वस्तु पर की कुल आवेश उसमें उत्पन्न विद्युत विभव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। गिवन चार्ज ऑफ एनी कंडक्टर बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल, मतलब किसी भी चालक वस्तु पर के कुल आवेश उसमें उत्पन्न विद्युत विभव के समानुपाती होती है। और यही रिलेशन जब हटती है तो एक कॉन्स्टेंट आता है, जिस कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करता है सी से, जिस सी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। यहां से C निकालेंगे तो C बराबर क्या होगा, Q by V। इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, किसी भी चालक वस्तु पर की कुल आवेश एवं उसकी विद्युत विभव की जो अनुपात होती है वह हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट मान को कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर बोलते हैं, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं C से। नहीं, अब इसका अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें तो देखिए इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी। तो C बराबर सूत्र क्या होता है, Q बाय V, V बराबर क्या होता है, W बाय Q नोट, Q नोट देखिए ऊपर चला गया। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, AT या IT, डबल आवेश है तो डबल AT हो गया। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ML स्क्वायर T पर पावर माइनस 2। मास पे पावर 1 है इसको ऊपर ले गए तो M पे पावर माइनस 1, L स्क्वायर है उसको ऊपर ले गए तो L पे पावर माइनस 2, टी पर पावर माइनस 2 है इसको ऊपर ले गए, ऊपर 2 को टी है तो टी गुना टी टी स्क्वायर, इस टी को भी ऊपर ले गए तो टी पर पावर कितना हो गया 4, ए गुना ए क्या हो गया ए स्क्वायर। तो कैपेसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, एम पे पावर माइनस 1, एल पे पावर माइनस 2, टी पर पावर 4, ए पर पावर क्या 2। इस पावर को क्या बोलते हैं, डायमेंशन, और पावर सहित ये जो मूल राशि होती है उसको डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। इसके आधार पर अगर कैपेसिटी का हम SI यूनिट निकालना चाहें तो देखिए, मास को नापते हैं किस में, किलोग्राम में, लंबाई को नापते हैं मीटर में, टाइम को नापते हैं सेकंड में, विद्युत धारा को नापते हैं कौन सी में, एम्पियर में। या फॉर्मूला के आधार पर देखिए, फॉर्मूला क्या है, सी बराबर क्या है, क्यू बाय वी यानी आवेश बटा विभव। तो आवेश को नापते हैं कूलम में, विभव को नापते हैं वोल्ट में, कूलम पर वोल्ट को ही क्या बोलते हैं, फेराइट बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। इसी का सीजीएस यूनिट क्या होगा, देखिए चूंकि चार्ज कैपेसिटी बराबर क्या होता है, आवेश बटा विभव, तो आवेश का सीजीएस यूनिट होता है ESU या स्टेट कूलम, और विभव का होता है स्टेट वोल्ट। तो वही चीज लिखे, देखिए स्टेट कूलम पर स्टेट वोल्ट, या इसी को स्टेट फेराइट बोलते हैं। चलिए, ये तो यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया कैपेसिटी का। तो फेराइट चूंकि बड़ा मात्रक है तो इसलिए इसकी छोटे यूनिट को रिप्रेजेंट करता है मिली में, माइक्रो में, नैनो में, पिको में। तो ध्यान से देखिए, 1 मिली फेराइट, 1 मिली फेराइट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 1 mF, यानी 1 मिली फेराइड। चूंकि फेराइड बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको का यूज करते हैं। तो 1 मिली फेराइड बराबर क्या होता है, 10^-3 फेराइड। उसके बाद देखिए, 1 माइक्रो फेराइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 1 माइक्रो फेराइड। 1 माइक्रो फेराइड बराबर क्या होता है, 10^-6। उसके बाद देखिए, 1 नैनो फेराइड, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 1 नैनो फेराइड बराबर क्या, 10^-9 मान लेते हैं, 10^-9 फेराइड होगा, 10^-9 फेराइड। चलिए, 1 मिली फेराइड बराबर 10^-3 फेराइड, 1 माइक्रो फेराइड बराबर 10^-6 फेराइड, 1 नैनो फेराइड बराबर 10^-9 फेराइड। उसके बाद देखिए, 1 पिको फेराइड,
1 pico farad बराबर, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 1 PF, तो 1 pico farad बराबर क्या होता है 10 to the power minus 12 farad। चलिए ध्यान दीजिए, फ्राइड बड़ा यूनिट है, उसको छोटे यूनिट में रिप्रेजेंट जब करेंगे तो मिली माइक्रो नैनो पिको का इस्तेमाल करेंगे, तो 1 mF बराबर क्या होगा 10 to the power minus 3 farad, 1 μF बराबर 10 to the power minus 6 farad, 1 nF बराबर 10 to the power minus 9 farad, 1 pF बराबर 10 to the power minus 12 farad। ठीक है, तो अभी हम क्या सब डिस्कस किए कि धारिता, चालक की धारिता क्या है, चालक की विमीय सूत्र क्या है और चालक का SI यूनिट क्या है। तो चालक की धारिता के बारे में हम लोग क्या डिस्कस किए कि किसी भी चालक, ध्यान दीजिए, अभी डिस्कस किए चालक की धारिता, क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है शॉर्ट फॉर्म में जनरली कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, राइट इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला एंड SI यूनिट। चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, इसकी विमीय सूत्र एवं SI मात्रक को लिखें। क्वेश्चन पूछी जाती है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में कि चालक की धारिता क्या है, इसकी विमीय सूत्र एवं SI मात्रक को लिखें। तो चालक की धारिता किसको कहेंगे, किसी भी चालक वस्तु द्वारा विद्युत आवेश को संचित करने की जो क्षमता होती है उसी क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। धारिता मतलब होता है विद्युतीय ऊर्जा या विद्युतीय आवेश को संचित करने की क्षमता। तो किसी भी चालक द्वारा विद्युतीय आवेश को या विद्युतीय ऊर्जा को संचित करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से, या एक अदिश राशि है। चालक की धारिता क्या है, अदिश राशि है। किसी भी चालक वस्तु पर की कुल आवेश एवं विद्युत विभव एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यही रिलेशन जब हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट को इंडिकेट करते हैं कौन चीज से, सी से। यहां से सी निकालेंगे तो सी बराबर क्या होगा, क्यू बाय भी। इस सी को क्या बोलते हैं, चालक की धारिता यानी कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो किसी भी चालक वस्तु पर की कुल आवेश एवं उसमें उत्पन्न विद्युत विभव की जो अनुपात होता है उसी अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी से, सी से। अगर किसी भी बॉडी की पोटेंशियल में 1 वोल्ट की वृद्धि की जाए तब चालक की जो धारिता होती है वह चालक पर की कुल आवेश की परिमाण के बराबर होता है। नहीं तो चालक की धारिता को हम यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं, यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, यदि किसी चालक वस्तु की विभव में 1 वोल्ट वृद्धि की जाए तब चालक की धारिता वस्तु पर की कुल आवेश की परिमाण के बराबर होता है। यहां से डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी चालक वस्तु पर की कुल आवेश एवं उसकी विद्युत विभव की अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। या इसको हम दूसरे ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, क्या, किसी भी चालक वस्तु द्वारा विद्युत आवेश को संचित करने की क्षमता को या विद्युतीय ऊर्जा को संचित करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी से, सी से। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी यानी धारिता का विमीय सूत्र। तो चूंकि धारिता बराबर सूत्र क्या होता है, चार्ज बटा पोटेंशियल, पोटेंशियल बराबर सूत्र होता है वर्क बाय टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज देखिए उलट के ऊपर चला गया। तो चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT या IT, डबल आवेश है तो डबल AT हो गया। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML² T^-2, M^1 है इसको ऊपर ले गए तो M^-1, L^2 है इसको ऊपर ले गए तो L^-2, T^-2 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो T^2 होगा, 2 T पहले से है तो 2E या 2E कितना हो गया, T^4, A × A क्या हो गया, A². तो जब भी किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को हम मूल राशि में बदलते हैं तो मूल राशि पर जो भी पावर होता है उसी पावर को डायमेंशन बोलते हैं, और पावर सहित ये जो मूल राशि होती है उसको डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। इसी डायमेंशनल फॉर्मूला के आधार पर चालक की धारिता का SI मात्रक देखिए, मास को नापते हैं किलोग्राम में, लंबाई को नापते हैं मीटर में, टाइम को नापते हैं सेकंड में, विद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर में, या फॉर्मूला के आधार पर। फॉर्मूला क्या है,
कैपेसिटी बराबर क्या है, चार्ज बटा पोटेंशियल, तो चार्ज को नापते हैं कूलम में, पोटेंशियल को नापते हैं वोल्ट में, तो कूलम पर वोल्ट, या इसी को हम लोग फेराइट बोलते हैं, फेराइट को रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी से, एफ से। अगर देखिए सीजीएस यूनिट ऑफ कैपेसिटी, तो चूंकि चार्ज बटा पोटेंशियल होता है, चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम या ईएसयू, और वोल्ट का होता है सीजीएस में स्टेट वोल्ट, तो इसका मतलब कैपेसिटी का सीजीएस मात्र क्या हो गया, स्टेट कूलम पर स्टेट वोल्ट, या इसी को स्टेट स्टेट फ्राइड भी बोलते हैं। तो चूंकि फ्राइड बड़ी यूनिट है, और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो जनरली सफिक्स के फॉर्म में मिली, माइक्रो, नैनो, पिको का इस्तेमाल करते हैं। तो वन मिली फ्राइड बराबर क्या होता है, 10^-3 फ्राइड, वन माइक्रो फ्राइड बराबर 10^-6 फ्राइड, वन नैनो फ्राइड बराबर 10^-9 फ्राइड, वन पिको फ्राइड बराबर क्या होता है, 10^-12 फ्राइड। हम लोग आवेश में भी पढ़े थे, वन मिली कूलम बराबर 10^-3 कूलम, वन माइक्रो कूलम बराबर 10^-6, वन नैनो कूलम बराबर 10^-9 कूलम, वन पिको कूलम बराबर 10^-12 कूलम। नहीं तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको का इस्तेमाल किसी भी बड़ी छोटी यूनिट को हम, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी हम क्या डिस्कस किए, किसी भी चालक की धारिता किसे कहते हैं, चालक की धारिता किसे कहते हैं, तो चालक की धारिता किसको कहेंगे, किसी भी चालक द्वारा विद्युत आवेश को या विद्युत ऊर्जा को संचित करने की जो क्षमता होता है, उसी क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग किसी भी डिस्चार्ज बैटरी को जब हम चार्ज करेंगे, तो कोई भी डिस्चार्ज बैटरी उतना ही चार्ज स्टोर करेगा जितने उसमें स्टोर करने की क्षमता है। नहीं, किसी भी कैपेसिटर को हम उतना ही चार्ज दे पाएंगे जितना उसमें लेने की क्षमता है। तो किसी भी, मान लेते हैं किसी भी डिस्चार्ज बैटरी को अगर हम चार्ज करना चाहें, तो उतना ही वो चार्ज को स्टोर करेगा जितना उसमें एनर्जी स्टोर करने की क्षमता है। तो किसी भी कंडक्टर बॉडी द्वारा विद्युतीय आवेश को या विद्युतीय ऊर्जा को संचित करने की जो क्षमता होता है, उसी क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी से, सी से। तो चालक की धारिता का सूत्र क्या हो गया, क्यू बाई क्या, भी नहीं। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए। तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि चालक की धारिता क्या है, चालक की धारिता का विमीय सूत्र क्या है, उसका SI यूनिट क्या है, CGS यूनिट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल, ध्यान दीजिए, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है इसको इस रूप से, क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू फाइंड द एक्सप्रेशन, टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ, टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, यानी गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करके, क्वेश्चन पूछा जाता है गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। तो गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक कैसे निकालेंगे, सो देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ
एस्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। तो गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये कोई एस्फेरिकल कंडक्टर बॉडी है जिसकी सेंटर पॉइंट मान लेते हैं कितनी ओ, इस एस्फेरिकल कंडक्टर बॉडी का रेडियस मान लेते हैं कितनी आर। अगर कंडक्टर बॉडी पर चार्ज देंगे तो किसी भी कंडक्टर बॉडी पर दिया गया जो चार्ज होता है ना, वह एक जगह नहीं रहता, पूरे सरफेस पर समान रूप से फैल जाता है। किसी भी कंडक्टर बॉडी पर दी गई चार्ज जो होता है, किसी भी मान लेते हैं चालक वस्तु पर जो दी गई आवेश होता है वह पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। तो मान लीजिए ये कोई कंडक्टर बॉडी है जिसका रेडियस कितनी है आर, इस कंडक्टर बॉडी पर की टोटल चार्ज कितनी है क्यू। अगर इस कंडक्टर बॉडी के सरफेस पर अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो देखिए, सपोज दैट कोई कंडक्टर बॉडी है जिसके कोई एस्फेरिकल कंडक्टर बॉडी है जिसका रेडियस कितनी है आर, इस पर टोटल चार्ज कितना है क्यू। इसलिए इस कंडक्टर बॉडी के सरफेस पर अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो पोटेंशियल कितना होगा, देखिए ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एस्फेरिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एस्फेरिकल कंडक्टर, यानी गोलीय चालक की जो अगर विद्युत विभव निकालेंगे तो विद्युत विभव कितना आएगा बोलिए, 1/4πε0 इंटू इप्सिलॉन आर इंटू कितना हो जाएगा क्यू बटा कितना हो जाएगा आर, नहीं। और एक रिलेशन अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि किसी भी चालक वस्तु पर की जो आवेश होता है वह उसकी पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यही रिलेशन जब हटती है तो एक कॉन्स्टेंट आता है जिस कॉन्स्टेंट को इंडिकेट करता है सी से, जिस सी को बोलते हैं चालक की धारिता। तो मान लीजिए कि गोलीय चालक वस्तु की धारिता कितनी है सी है, तो यहां से जो सी निकालेंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू बाय वी। और पोटेंशियल देखिए हम लोग निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकाल चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान अगर समीकरण 2 में रख दें तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए तो ध्यान दीजिए, ऑफलाइन में जो क्लास में जो थ्योरी पढ़ाए उसी का रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ऑफलाइन क्लास में जो थ्योरी इस बीच में पढ़ाए हैं उसी थ्योरी का अभी हम रिवाइज कर रहे हैं। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर का जो थ्योरी पढ़ाए थे और गोलीय चालक की धारिता का जो व्यंजक पढ़ाए थे उसी थ्योरी को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद मान लेते न्यूमेरिकल पर चलेंगे, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में देखिए रख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दें तो देखिए क्या होगा, सी बराबर देखिए क्यू बाय क्या जी। तो भी का मान अभी जस्ट निकाले हैं, क्या निकाले हैं देखिए, 1/4πε0 इंटू इप्सिलॉन आर इंटू क्यू बटा कितनी आर। देखिए यहाँ कुछ कैंसिल होगा, देखिए क्यू क्यू देखिए कट जाएगा, नहीं कटने के बाद देखिए क्या बच गया, सी बराबर ये जो बट्टा वाला टर्म है ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो सी बराबर क्या होगा देखिए, 4πε0 इंटू इप्सिलॉन आर इंटू कैपिटल आर, नहीं तो देखिए
किसी भी गोल या चालक, ध्यान दीजिए, किसी भी गोल या चालक की अगर धारिता निकालना हो तो इस फॉर्मूला से हम धारिता निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, थर्ड। तो किसी भी गोल या चालक की धारिता का सूत्र क्या हो गया, C बराबर 4 pi epsilon naught into epsilon r into capital R। किसी भी गोलीय चालक की जो धारिता है वह डिपेंड करता है, देखिए मीडियम डिपेंड करता है और गोलीय चालक की रेडियस पर मतलब शेप और साइज पर डिपेंड करता है। तो किसी भी चालक की जो धारिता है वह मीडियम पर भी डिपेंड करता है और उसके बाद मान लेते हैं उसकी शेप और साइज पर भी डिपेंड करता है। तो यहां से देखिए दो रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए, एस पे सेल केस When medium को अगर constant लें, ध्यान दीजिए, when medium यानी epsilon r जो है इसको अगर हम constant लें, यदि medium को constant रखा जाए, medium को constant रखने का मतलब है कि same medium में different shape या size का अगर spherical body को रख दें तो उसकी capacity क्या होगा। जब मीडियम का मान क्या हो, कांस्टेंट हो, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखिए इस समीकरण में देखिए, जब मीडियम की मान को एप्सिलॉन आर को हम जब कांस्टेंट लें तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट है और यही कांस्टेंट टर्म जब हटेगा तो कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, आर का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं क्या कहते हैं मीडियम को कांस्टेंट रखें तो गोलीय चालक की जो धारिता है वो गोलीय चालक की रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ, रेडियस बड़ा होगा तो कैपेसिटी बड़ा होगा, रेडियस छोटा होगा तो कैपेसिटी क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए बड़ा मान लेते रेडियस की अगर हम गोलीय वस्तु लेंगे तो वह बहुत ज्यादा ऊर्जा को स्टोर करेगा, अगर छोटा रेडियस की अगर मान लेते कोई गोलीय वस्तु लेते हैं तो वह बहुत कम ऊर्जा को स्टोर करेगा। मतलब कैपेसिटी जो है वह शेप और साइज पर डिपेंड करता है और यही रिलेशन जब हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा जिस कांस्टेंट को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं के से। अब आर को इधर कर लेंगे तो देखिए सी बटा आर बराबर के, के का मतलब क्या हो गया कांस्टेंट, सी बाय आर बराबर यहाँ कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं C1 बटा क्या R1 बराबर क्या लिख सकते हैं C2 बटा क्या R2, C2 बटा क्या R2, या कैपेसिटी को एक साइड ले आइए तो क्या होगा C1 बाय देखिए C2 बराबर क्या हो जाएगा R1 को इधर ले जाएंगे R1 बाय क्या होगा R2, तो C1 बाय C2 बराबर क्या हो जाएगा R1 बाय क्या R2। मतलब किसी भी, ध्यान दीजिए, किसी भी गोलीय चालक, किसी भी गोलीय चालक की रेडियस अगर अलग अलग हो लेकिन मीडियम क्या हो, सेम हो, मतलब एक ही मीडियम में भिन्न भिन्न भिन साइज का अगर गोलीय वस्तु रख दे तो दोनों गोलीय वस्तु की धारिता के जो अनुपात होगा वह दोनों गोलीय वस्तु की रेडियस के अनुपात के बराबर होगा। मतलब यदि कोई गोलीय, दो गोलीय कोई वस्तु है, दो गोलीय कोई चालक वस्तु है जो सेम मीडियम में रख दिया गया है और दोनों का अगर रेडियस पता है और दोनों में से किसी एक का कैपेसिटी पता है तो दूसरी की कैपेसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले थियोरेटिकल कंसेप्ट को समझिए तब आपको हम लेते हैं इसकी एग्जाम्पल देते हैं। चलिए तो गोल, किसी भी गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर 4 pi epsilon naught into epsilon r into कितनी कैपिटल R, जहां कैपिटल R क्या है, गोलीय वस्तु की रेडियस है। नहीं तो अगर मीडियम को कांस्टेंट लें तो गोलीय चालक की धारिता जो है वो गोलीय वस्तु की रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां से रिलेशन क्या होगा, C1 बाय C2 बराबर R1 बाय R2, जहां C1 जो है वह फर्स्ट गोलीय चालक की धारिता है, C2 जो है सेकंड गोलीय चालक की धारिता है, R1 जो है फर्स्ट गोलीय चालक की रेडियस है और R2 जो है सेकंड गोलीय चालक की रेडियस है। नहीं अगर हम रेडियस को ही कांस्टेंट लें तब क्या होगा, ध्यान से देखिए केस सेकंड, देखिए कि व्हेन व्हेन R इज इक्वल टू क्या कांस्टेंट, देन
व्हेन आर इज इक्वल टू क्या कांस्टेंट, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, जब आर का मान कांस्टेंट लें तब समीकरण थर्ड से देखिए क्या रिलेशन देगा कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, एप्सिलॉन आर का। देखिए ना समीकरण थर्ड देखिए, अगर आर को कांस्टेंट लें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट मान है, तो सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, एप्सिलॉन आर का। और यही रिलेशन जब हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा, जिस कांस्टेंट को इंडिकेट करते हैं जनरली के से, अगर एप्सिलॉन आर को इधर कर लें तो देखिए सी बाय एप्सिलॉन आर बराबर के लिखें, या इसी को कांस्टेंट माने, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या सी वन बाय क्या एप्सिलॉन आर वन बराबर लिख सकते हैं क्या सी टू बाय एप्सिलॉन आर टू। यानी किसी भी गोलीय चालक वस्तु को भिन्न भिन्न मीडियम में रख दिया जाए, यानी किसी भी समान आकार की किसी भी दो गोलीय चालक वस्तु को अगर भिन्न भिन्न मीडियम में रख दें तो देखिए कैपेसिटी की क्या रिलेशन होगा, C2 को इधर ले आइएगा तो क्या होगा, देखिए C1 by क्या C2 बराबर epsilon R को इधर ले जाइए तो epsilon R1 by क्या epsilon R2। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, फॉर्मूला बनाते समय जब समान आकार की दो गोलीय वस्तु अगर भिन्न भिन्न मीडियम में स्थित हो तब उसकी अगर धारिता निकालना हो, दोनों गोलीय चालक वस्तु में से किसी एक की धारिता पता हो, दूसरी की धारिता निकालना हो, और दोनों गोलीय वस्तु को किस किस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम की विद्युतशीलता पता हो, तो आसानी से इस फॉर्मूला का हम यूज करके मान लेते कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी क्या क्या डिस्कस किए ध्यान से देखिए, अभी अभी कौन कौन फॉर्मूला डिस्कस किए थे, एक फॉर्मूला डिस्कस किए हैं क्यू बराबर क्या सी इंटू वी, एक डिस्कस किए हम लोग किसी भी गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू कितनी कैपिटल आर। नहीं, अब इसी दो फॉर्मूला के आधार पर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव बताते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा चलिए ध्यान दीजिए, अभी जो कंसेप्ट थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट दिए हैं उसी कंसेप्ट पर आधारित कुछ एग्जांपल आपके सामने में रखते हैं। ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कैलकुलेट द कैपेसिटी, ध्यान दीजिए कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर इन एयर। यानी क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कह रहा है क्या है? कि हवा में 1 मीटर रेडियस की एक धातु गोला है, मतलब एक धातु की गोला है जिसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर। ये धातु की गोला जो है वह कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, इसकी कैपेसिटी निकालना है मतलब धारिता निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेटल का स्फीयर है, गोला है, एक धातु की गोला है जिसकी रेडियस कितना है 1 मीटर, ये धातु की जो गोला है वह हवा में स्थित है, जिसकी धारिता निकालना है, क्या निकालना है धारिता। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि गोलीय चालक की जो धारिता होती है वह c बराबर, अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू कैपिटल r। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए गोलीय चालक की धारिता दिया है कितनी 1 मीटर, मीडियम जो इप्सिलोन आर है वह एयर है, तो एयर में इप्सिलोन आर का मान कितना होता है 1, और 4 पाई इप्सिलोन नॉट का मान हम लोग पढ़ चुके हैं। कहता यहाँ कैपेसिटी निकालिए, यानी क्या कहा क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैपेसिटी ऑफ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैपेसिटी ऑफ एस्फेरिकल कंडक्टर, यानी गोलीय चार्ज, कैपेसिटी ऑफ एस्फेरिकल कंडक्टर यानी गोलीय चालक की धारिता पर आधारित आंकिक प्रश्न है। इसकी फॉर्मूला को याद रखेंगे, फॉर्मूला भी हम लोग क्या सब देख चुके हैं, देखिए फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, एक क्यू बराबर सूत्र पढ़ चुके हैं, सी इन टू भी अभी जस्ट डिस्कस किए हैं, दूसरा हम लोग गोलीय चालक की धारिता का सूत्र पढ़ चुके हैं, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इन टू एप्सिलॉन आर इन टू कैपिटल आर, इसी दोनों पर आधारित एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे। देखिए अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभी जो आपके सामने जो क्वेश्चन पर है, इस क्वेश्चन में क्या सब दिया है देखिए, फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन से मीडियम एयर दिया है, तो एयर में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है 1, और गोला का जो रेडियस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 1 मीटर, और तब कहता है कैपेसिटी निकालिए, यानी क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक मेटल की स्फीयर है, एक धातु की स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर, और ये स्फीयर कहाँ रखा हुआ है एयर में, तो एयर में विद्युतशीलता का मान एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है 1, तब कहता है इस स्फीयर का कौन सी निकालिए कैपेसिटी निकालिए, यानी कैपेसिटी यानी सी निकालना है, धारिता निकालना है नहीं। तो देखिए गोलीय चालक की धारिता का सूत्र अभी हम लोग जस्ट पढ़ चुके हैं, कितना पढ़े हैं देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू कैपिटल आर, अब यहां से कैपेसिटी निकालना है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, देखिए यहाँ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग पढ़ चुके हैं कि 9 × 10⁻⁹ होता है, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना होता है, अगर इसको उलट देंगे, इसको अगर उलट देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय 9 × 10⁹ होगा, तो यहाँ देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा 9 × 10⁹ कितनी 9, पाई एप्सिलॉन आर का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, क्योंकि एयर में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, रेडियस कितना दिया हुआ है 1 मीटर नहीं, तो देखिए तो रिजल्ट क्या होगा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय 9 × 10⁹ कैपेसिटी का यूनिट अभी आपको जस्ट बताए थे कि इसका यूनिट क्या होता है फेराइट नहीं, इसका मतलब यदि गोलीय चालक की रेडियस कितना हो 1 मीटर हो, और वह गोलीय चालक अगर एयर में स्थित हो तब उसकी धारिता कितना होगा 1 बाय 9 × 10⁹ फेराइट नहीं, और यही क्वेश्चन है देखिए, कहता है कि धारिता निकालिए मेटल स्फीयर का जिसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर, वो कहाँ रखा हुआ है एयर में रखा हुआ है नहीं। चल तो आंसर कितना दिया देखिए 1 बाय 9 × 10⁻⁹ मान लेते हैं क्या 10⁻⁹ को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁹ हो जाएगा, यही देखिए 10⁻⁹ जो 9 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए 1 बटा 9 × 10⁹ है ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹ कितनी −9 फेराइड हो जाएगा नहीं। चल उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए चलिए
क्वेश्चन क्या कहा, देखिए कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ स्फीयर, ध्यान दीजिए क्या कहा, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ स्फीयर माने गोला की धारिता निकालना है, गोला की धारिता निकालना है जिसकी रेडियस माने त्रिज्या दिया है कितनी, 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, गोला का रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ये गोला कहाँ रखा हुआ है, एयर में, तो एयर में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1, और गोला का रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। तब कहता है गोला की कौन सी निकालिए, कैपेसिटी निकालिए, नहीं तो गोला की कैपेसिटी निकालना है, रेडियस हम लोग का कितना है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, नहीं तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन, तो फ्रॉम क्वेश्चन से गोला का जो रेडियस है वह 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 10^-2 मीटर हो जाएगा। मीडियम में एयर है तो एयर में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, 1, और कैपेसिटी आपको निकालना है, नहीं तो गोलीय चालक की धारिता निकालना है, तो गोलीय चालक की धारिता का सूत्र बोलिए, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 4πε0 × εr × R। तो 4πε0 का मान देखिए क्या होता है, अभी जस्ट बता रहे थे आपको 9 × 10⁻⁶ क्या होता है, 9, 4π, ये 4πε0 का वैल्यू क्या होता है, 1/9 × 10⁹, उसके बाद एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर का जो होता है सन में एयर है जिसका मान कितना होता है, 1, रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए, 10⁻², फेराइड, फेराइड को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एफ से, नहीं चलिए तो देखिए 10⁹ को ऊपर ले जाएंगे तो 2 को 0 ऊपर में है, इवन 9 को 0 ऊपर जाएगा तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11, तो C बराबर क्या हो गया, 1/9 × 10⁻¹, कौन चीज, फेराइट, नहीं तो गोलीय चालक की धारिता देखिए निकल गया। चल उसके बाद देखिए सेकंड, ये सेकंड एग्जांपल हम लोग देख रहे थे अभी, तीसरा एग्जांपल ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए तीसरा एग्जांपल कह रहा है क्या, अर्थ, अर्थ टू बी ए स्फीयर, कह रहा है कि अर्थ को आप स्फीयर मान के चलिए जिसकी रेडियस दिया है 6400 किलोमीटर, यानी पृथ्वी को कहता है आप स्फेरिकल बॉडी मानिए, स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी मानिए जिसकी रेडियस दे दिया है कितनी, 6400 किलोमीटर। तब कहता है कैलकुलेट इट्स कैपेसिटी इन एयर, तब कहता है एयर में इसकी कैपेसिटी निकालिए, मतलब पृथ्वी की रेडियस दिया हुआ है, पृथ्वी की रेडियस दिया हुआ है, तब कहता है पृथ्वी की कैपेसिटी निकालिए इन एयर में, तो एयर में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, 1, और यहाँ रेडियस पृथ्वी का दिया हुआ है और कैपेसिटी निकालना है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या कहा, क्वेश्चन क्या सब दिया है और क्या सब मांग रहा है सो देखिए, तो फ्रॉम क्वेश्चन से पृथ्वी का रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में बदल दीजिए तो किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। उसके बाद मीडियम में एयर है तो एयर में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1, और तब इसकी कैपेसिटी निकालना है, नहीं चलिए तो चूंकि गोलीय चालक की धारिता बोलिए क्या है, 4πε0 × εr × R, नहीं अभी गोलीय चालक की धारिता अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, चलिए 4πε0 का मान कितना होता है, 1/9 × 10⁹, एप्सिलॉन आर का मान 1 है क्योंकि मीडियम एयर है, उसके बाद रेडियस पृथ्वी का कितना है, 6400 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में हम बदल दिए, कैपेसिटी का यूनिट हो गया कौन सी, फेराइड, नहीं चल
तो C बराबर क्या हो गया, देखिए काय को जीरो हो गया, तीन दो पांच को जीरो, आई भी नौ को जीरो, नौ को जीरो में से देखिए कैंसिल होगा, ध्यान दीजिए क्या सब कट जाएगा, तीन को जीरो दू को, तीन दो पांच को जीरो यहां कट जाएगा, तो नौ को में पांच को जीरो कट जाएगा तो बचेगा क्या, नौ में से पांच को जीरो कट गया तो बच गया कितनी, टेन टू दी पावर फोर, तो रिजल्ट क्या आएगा बोलिए, चौसठ बट्टा कितनी नाइन, टेन टू दी पावर फोर को ऊपर ले जाएंगे तो टेन टू दी पावर माइनस फोर हो जाएगा, इतना कौन चीज फेराइट नहीं, चलिए अब चौसठ में देखिए नौ से भाग दीजिएगा तो कितना रिजल्ट आएगा, देखिए चौसठ में 64 में डिवाइड करेंगे 9 से तो देखिए रिजल्ट क्या आया, 7.11 आ रहा है, इसका मतलब देखिए C बराबर 7.11 आ रहा है इंटू टेन टू दी पावर माइनस क्या 4 फेराइट नहीं, या तो आंसर को यहीं छोड़ दीजिए या ये दोनों ये दशमलव को हटाएंगे तो देखिए दशमलव के बाद दो डिजिट है तो दशमलव जो हटाएंगे तो दो जीरो नीचे आएगा और दोनों जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा, देखिए C बराबर क्या हो जाएगा 711 गुना 10 टू दी पावर माइनस चार को जीरो ही है, दशमलव हटाएंगे तो दो जीरो और जाएगा, चार दो कितनी 6, इतना कौन चीज फेराइट नहीं, 10 टू दी पावर माइनस 6 के बारे में अभी बताए थे, 10 टू दी पावर माइनस 6 को क्या बोलते हैं माइक्रो, तो C बराबर कितना हो गया 711 माइक्रो फेराइट नहीं, तो आंसर या तो यहां छोड़ दें आंसर या आंसर को यहां छोड़ें, क्लियर। तो आज हम लोग गोलीय चालक वस्तु की धारिता का थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखें और दो तीन हम लोग एग्जाम्पल देखें नहीं, और एक हम लोग चालक की धारिता के बारे में पढ़े ठीक है, तो दो मिनट में इस बात को हम फिर से रख दें आपको, तो आज हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको दिए कि चालक की धारिता क्या है और किसी गोलीय चालक की धारिता का एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है, तो कंसेप्ट हम लोग क्या लिए कि किसी भी चालक वस्तु द्वारा विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित करने की जो क्षमता होता है, स्टोर करने की जो क्षमता होता है, उसी क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी से C से, और किसी भी चालक की पर दी गई जो आवेश होता है वह उसमें उत्पन्न विद्युत विभव के समानुपाती होती है, और यही रिलेशन जब हटती है तो एक कांस्टेंट आता है जिस कांस्टेंट को इंडिकेट करता है C से, जिस C को चालक की धारिता कहते हैं, यहां से अगर C निकालेंगे तो C बराबर क्या होगा Q/V नहीं, तो चालक की धारिता बराबर सूत्र क्या होता है चार्ज बटा पोटेंशियल, अगर किसी भी मान लेते हैं गोलीय चालक की कैपेसिटी निकालना चाहें तो C बराबर Q/V है, तो भी अगर गोलीय चालक की पोटेंशियल बराबर सूत्र क्या होती है गोलीय चालक के सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भी की जगह क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 × εr × Q/r, जहां कैपिटल आर जो है गोलीय चालक की धारिता है और क्यू जो है चालक वस्तु पर की आवेश है, तो आवेश तो कट जाएगा, तो यहां से देखिए सी बराबर क्या निकलेगा 4πε0 × εr × R नहीं। तो आज हम लोग दो फॉर्मूला का कंसेप्ट देखिए कि एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र हम लोग निकाले C बराबर 4πε0 × εr × R, जहां कैपिटल R जो है गोलीय चालक की रेडियस है, एप्सिलॉन R जो है मीडियम की विद्युत शीलता है, 4πε0 का वैल्यू होता है 1/9 × 10⁻⁹, एप्सिलॉन R का मान हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है, और एक सूत्र हम लोग देखे C बराबर Q/V, और इसी फॉर्मूला पर आधारित हम लोग तीन एग्जाम्पल देखें ठीक है। तो कल जो है ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास तो कल पढ़ाएंगे, लेकिन आपको ऑनलाइन क्लास जो है कल 8 से जो 9 है, कल शायद 19 तारीख है ना, कल जो है आपको 19 तारीख है, चलिए कल 19 तारीख है, तो 19 तारीख को मान लेते हैं एक दो मान लेते हैं क्या कहते हैं आपको बराती मेंटेनेंस करना था ठीक है, उसी में मान लेते हैं, तो 8 से 9 में उसी टाइम में वहीं रहेंगे, तो इसी कारण कल की जो क्लास होगी ना आपको ऑफलाइन क्लास ऑन रहेगा,
ऑनलाइन क्लास जो है कल 8 से 9 जो ऑनलाइन क्लास है ये क्लास मान लेते हैं कल क्लोज रहेगी। ऑनलाइन क्लास क्लोज रहेगी कल, ठीक है। ऑफलाइन क्लास सुबह से लेकर शाम तक सब चलेगी, क्लियर। तो ऑफलाइन क्लास क्लोज नहीं है, ऑफलाइन क्लास जो है आपको ओपन है, ऑनलाइन क्लास जो है कल 8 से 9 क्लोज रहेगा, क्लियर। तो चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, इससे आगे की टॉपिक को देखेंगे, ठीक है, थ्योरी विथ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, चलिए।